हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवेज़ ने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है कि हमारी जो सारी ट्रेन्स है, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों को छोड़ करके उन सभी ट्रेनों को, सारी पैसेंजर ट्रेनों को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उनका जो संचालन है वो बंद कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी कई सारे जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं कि बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर भी ट्रैवल कर रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने फैसला किया है कि कम से कम जो ट्रेनों की आवाजाही है उसको बंद कर दिया जाए, ताकि जो ये वायरस है उसको स्प्रेड करने से रोका जा सके। और इस फैसले से आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फैसला है वो हमारे हित में लिया गया है। कि सच में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लापरवाह लोग हैं जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के कारण भी फिर भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये फैसला सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, रही बात अगर आपके कैंसिलेशन की, अगर आप, वैसे तो आपको टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो टिकट्स है वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे। और अगर बात करें रिफ़ंड की, तो ये जो रिफ़ंड है वो आपको 21 जून तक मिलेंगे। तो इसके लिए भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और टिकट कैंसिल कराने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपया घर से बाहर ना निकले, आपका जो टिकट कैंसिल होगा वो आपको रिफ़ंड आपके अकाउंट में 21 जून तक मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सदी में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि हमारी रेलवेज़ को इतने दिनों तक के लिए बंद किया जा रहा है। बात करें लोकल ट्रेनों की, मेट्रो ट्रेनों की, तो उनका भी जो संचालन है वो 31 मार्च तक बंद रहेगा। तो मैं यहाँ पे आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करवाने की सोच रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके जो टिकट्स हैं वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे और आपको रेलवे स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो रिफ़ंड है वो अपने आप ही 21 जून के बाद आप सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। तो कृपया करके स्टेशन पे फालतू भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि जो आपका पैसा है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कृपया सहयोग करें जो भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है, और हाँ, बिल्कुल अपने घरों के अंदर ही रहें, और आपके घर के अंदर रहने से ही कहीं ना कहीं हम इस वायरस से जो जंग है वो जीत सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने पहले से ही बहुत सारे व्लॉग्स बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस हफ्ते मैं आप सभी के लिए बहुत सारे कंटेंट लेकर के आऊँ। तो कृपया रेल ज्ञान कोश पर बने रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और अपने घर के अंदर रहें।